हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई स्टडी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जीएस से रिलेटेड काफी लेक्चर्स देख लिए हैं, साथ में हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित एक पहले जो एक लेक्चर देखा था, जिसके अंतर्गत हमने जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है उनको देखा था। तो आज के इस लेक्चर में उन्हीं केंद्र योजनाओं में से हम दो योजनाओं को लेंगे और उनको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये जो दो योजना जो हम पढ़ेंगे ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि विभिन्न विभिन्न तरह के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें बहुत पूछे जाएंगे, जिसमें मुख्य जो है आपका पीएससी के एग्जाम जो है, पटवारी एग्जाम जो है, और साथ में जो एसएससी के जो एग्जाम है उनके लिए मुख्य लेक्चर है। खास तौर से जो मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के अंतर्गत जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके अंदर भी पूछा जाएगा, साथ में जो एमपीपीएससी एग्जाम है और जो अन्य राज्यों में होने वाले जो पीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में मेरे सीधे हाथ की तरफ जो है हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना के मुख्य कुछ बिंदु हैं, और साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मुख्य जो कुछ ऐसी बिंदुओं या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो इस लेक्चर को आप अच्छी तरह देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के अंतर्गत जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको नोट कर लीजिए, अदरवाइज उनको आप इसको कहीं पर भी किसी जगह पर आप अगर लिख सकते हैं, या फिर मैं अभी बीच में आपको स्नैपशॉट के लिए बोल दूंगा, आप वहां से पिक्चर भी ले सकते हैं इसकी, क्योंकि ये एग्जाम के अंतर्गत ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। देखिए, जैसे जनधन योजना किस दिन स्टार्ट हुई थी, या फिर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना किस दिन स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, नाम से पता चल रहा है जनधन योजना, यानी इसके अंतर्गत बैंकों के खाते खोलने का प्रावधान किया गया था। बैंक के खाते, जिन लोगों के बैंकों में खाते नहीं है वो किस तरह से अपने बैंकों के खाते उनके खोले जाए, इसके बारे में पूरा विचार किया गया। इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई, यानी जो इस समय के जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये योजना चलाई गई, और इसको ये योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई। इसकी जो डेट है आप इसको इंपॉर्टेंट है बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी कि जनधन योजना की जो स्टार्टिंग डेट है वो कौन सी है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 28 अगस्त 2014। इसके बाद बैंक खाते किस तरह से सहज और सरल रूप में खोले जाए इसके ऊपर अधिक विचार करने इस पर अधिक विचार किया गया, क्योंकि अधिकतर लोग जिनके बैंक में खाते नहीं है वो क्यों नहीं है। अब वो लोग अगर ग्रामीण लोग या फिर ऐसे निवासी जिनके जो मजदूर होते हैं जिनका खुद का कोई अपना कोई एक सेल्फ आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, तो उसकी वजह से उनके बैंकों में खाते नहीं खुल पाते, क्योंकि बैंकों में खाते खोलने की जो व्यवस्था थी वो बहुत जटिल थी, क्योंकि आपके पास वो विभिन्न तरह के सवालों को जवाब दिया करते थे बैंक के कर्मचारी, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, या फिर आपका राशन कार्ड है, आप कहीं के निवासी हैं तो आपको परमानेंट एड्रेस देना पड़ता, तो उसमें जो ये जटिल जो ये प्रोसेस थी जो इसकी पूरी की पूरी एक तरह से फैसिलिटी थी बहुत ज्यादा जटिल थी। तो उस जटिलता को कम करने के लिए, दूर करने के लिए बैंक खाते किस तरह से सरल सहज रूप में खोले जाए, इस व्यवस्था का, इस योजना का प्रयास, इसका एक तरह से इसका ध्येय था। तो इस योजना के तहत बैंक खाते खोलने को सरल और सहज व्यवस्था की गई है। अब इस योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सबसे अधिक खाते खोले जा चुके हैं, यानी ये योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। अब इसका सवाल आपके पेपर में जरूर आ सकता है कि कौन सी ऐसी योजना है, केंद्र योजना है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। तो जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक ऐसी योजना है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। अब इसका कारण क्या है अभी आपको बताते हैं। इसका कारण यह है कि 22 मार्च 2017 तक 28 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं, यानी 28 करोड़ से भी अधिक लोगों के खाते इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि 28 करोड़ की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी होती है, और एक तरह से बोला जाए जिस तरह से भारत के अंदर 1 अरब 35 करोड़ लोग की आबादी है, जिसमें से 28 करोड़ के लोगों के इसके अंतर्गत पूरे खाते खोले गए हैं, जो अपने आप में 20 से 25% इसकी जनसंख्या आती है, यानी पार्ट आता है। तो 22 मार्च 2000 तक 28 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं, इसलिए इस योजना का जो नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल है। इसके पश्चात इस योजना के तहत
जीरो बैलेंस वाले खाते खोलने की व्यवस्था की गई। यानी जीरो बैलेंस की हमारी, जीरो बैलेंस से हमारा तात्पर्य है कि अगर आपके अकाउंट में एक भी बैलेंस नहीं होगा यानी जीरो बैलेंस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे खाते हैं जैसे आप अगर किसी भी बैंक का उदाहरण लें उसमें मिनिमम बैलेंस 5,000, 1,000, 5,000 और 10,000 इस तरह की व्यवस्था होती है। परंतु ये जो खाते खोले गए थे अधिकतर ग्रामीण लोगों को देखते हुए खोले गए थे, इसलिए इस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी आदमी अगर अपना खाता खुलवाएगा तो उसका जो खाता है उसका जो बैलेंस है यानी बैंक का बैलेंस है जीरो बैलेंस तक हो सकता है। क्योंकि ये इसलिए खोले गए थे कि ग्रामीण लोगों के लिए धन के लिए बहुत उनको एक तरह से बहुत मुश्किल होती है, तो हो सकता है उनमें खाता अगर जीरो और भी जीरो मतलब जीरो के पास पहुंच जाएगा या फिर कम हो जाएगा तो उस समय में उनका जो खाते से जो पेनल्टी होती है जो दंड होता है वो काट लिया जाता है। तो ये इस तरह की कोई भी इस तरह की कोई मतलब उनके सामने कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस तरह की फैसिलिटी या इस तरह का प्रावधान इस तरह की योजना में लिया गया कि जो भी कोई आदमी इस खाते के तहत अपना खाता इस योजना के तहत अपना खाता खुलवाएगा उसमें उनको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी दी जाएगी। इसके बाद पहचान के लिए पासपोर्ट या फिर वोटर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड के सहारे महज एक पेज वाले फॉर्म से इसमें खाता खोला जा सकता है। अब देखिए जो आदमी शहर में रह रहा है अधिकतर उनके पासपोर्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। अब जिन लोगों का अपना खुद का एक परमानेंट रेजिडेंशियल है या फिर कहीं पर रह रहे हैं उनका वोटर कार्ड है, परंतु ऐसे लोग जो गांव के लोग हैं जिनका वोटर आईडी नहीं बना है, पासपोर्ट नहीं बना है, तो वो कैसे खाता खुलवाएंगे? तो वो मात्र मनरेगा जॉब कार्ड यानी जो हमारे हमारी जो सरकार द्वारा ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत उनका मनरेगा कार्ड बना हुआ है, क्योंकि मनरेगा कार्ड उसका होगा जिसको मनरेगा के तहत एक तरह से रोजगार की सुविधा मौजूद है। तो मनरेगा कार्ड से या फिर आधार कार्ड से महज एक फॉर्म के पेज से, पृष्ठ वाले फॉर्म से उनका खाता खोल दिया जाएगा। क्योंकि आप जब जाएंगे बैंकों में अपना खाता खुलवाने के लिए तो उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो पूरी फैसिलिटी है और एक इतनी बड़ी तरह है, यानी उसमें कम से कम 5 से 6 पेज का फॉर्म भरना पड़ता है तब जाकर आपका बैंक खाता खुलता है, तो उस सुविधा को, उस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक सहज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, मात्र एक पेज के फॉर्म से उनका जनधन योजना में खाता खुलवाने की पूरी फैसिलिटी का एक तरह से पूरा प्रावधान किया है। तो ये हमारे सामने जो थी, ये पूरे मुख्य बिंदु थी, ये थी हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। अब चलिए हम अपनी दूसरी योजना जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, या फिर बोला जाए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, यानी गांव में कैसे लोगों को अपना एक तरह से घर की अपने बनाए, इसके लिए भी हमारी केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। तो उसके तहत ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। अब सबसे पहले मैं आपको नीचे एक ये पॉइंट नंबर 7 है, जरा इसको पहले पढ़ देता हूं कि इस योजना को 1 अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। ये पॉइंट हमें पहले लिखना चाहिए था पर मैंने बाद में लिखा क्योंकि ये पॉइंट मैं मिस आउट कर गया था, भूल गया था। तो इस योजना को 1 अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था, फिर 3 साल में 1 करोड़ से भी ग्रामीण एक करोड़ ग्रामीण परिवारों को किस तरह से आवास की फैसिलिटी एक तरह से सुविधा मुहैया कराई जाए इस पे अधिक जोर दिया गया है। ठीक, तो यानी 3 साल में 1 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आवास के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराना, याद रखिएगा वित्तीय मदद यानी फाइनेंशियल हेल्प देना जरूरी है किसी भी आदमी को कार्य करने के लिए। तो हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने इस तरह की फैसिलिटी को लगाया, इस तरह की योजना बनाई कि आदमी अपना आवास तभी बना पाएगा जब उसको वित्तीय मदद दी जाए। तो वित्तीय मदद क्या से दी जाए ये पहले देखा गया, इसलिए 3 साल में कम से कम 1 करोड़ ग्रामीण लोगों के लिए उनके आवास के लिए वित्तीय मदद दी जाए। अब इसके अंदर भी वित्तीय मदद किस तरह की दी जाए ये भी हम देखते हैं। मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपीज यानी 1.20 लाख रुपए तथा दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। यानी जो लोग गांव के लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उनको 1.20 लाख करोड़ रुपया यानी 120,000 बोल सकते हैं आप चाहे तो, यानी 1.20 लाख रुपीज। और जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों या ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहते हैं जहां पर मकान बनाना कठिन है उनको 10,000 रुपए अधिक देना यानी 1.3 लाख रुपीज की फैसिलिटी दी गई है। इसके बाद इसके साथ साथ 12,000 रुपया उनको शौचालय के निर्माण के लिए भी दिए जा रहे हैं। अब देखिए क्योंकि हम अपने घर में शौचालय बनाएं इसके लिए केंद्र सरकार इस पर अधिक बल दे रही है, पहले कांग्रेस ने दिया इस पर, फिर अब बीजेपी गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत अधिक बल दिया है कि
कि हर गवर्नमेंट हर लोग अपने घर के अंतर्गत एक शौचालय का निर्माण करें, जिसके लिए उन्हें बाहर शौच के लिए बाहर जाना ना पड़े और बाहर गंदगी ना फैले। इसलिए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 12,000 रुपया हर घर को दिया है, जिससे वो अपने शौचालय अपने घर में शौचालय का निर्माण कराएं। इसके साथ साथ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, सामान्य श्रेणी के राज्यों के संबंध में केंद्र तथा राज्यों में 60:40 का अनुपात रहेगा, यानी 60-40 का रेशो रहेगा, यानी 60 अगर 100 रुपए का देखा जाए, 60 रुपए उनको केंद्र सरकार देगी और 40 रुपया उनको राज्य सरकार देगी, अगर वो राज्य जो है सामान्य श्रेणी का राज्य है। अब सामान्य श्रेणी का राज्य क्या है और जो विशेष राज्य क्या है, उनके बारे में हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, पर फिलहाल के लिए केंद्र और राज्य के बीच में जो ये धन का जो बंटवारा हुआ है, यानी जो देगा आदमी को, वो 60 रुपए यानी 60-40 का रेशो है, यानी 60 रुपए अगर केंद्र सरकार देगी तो 40 रुपया राज्य सरकार देगी। और ऐसी राज्य जहां पे एक विशेष प्रावधान दिया गया हो, यानी विशेष श्रेणी में जो राज्य आते हैं उनके बीच में ये जो रेशियो होगा 90-10 का होगा, यानी 90.90 रुपया अगर केंद्र सरकार देगी तो 10 रुपया राज्य सरकार देगी, ऐसा विशेष श्रेणी के राज्यों को ऐसी फैसिलिटी दी गई है। इसके बाद अगर उनको लगता है कि इतना रुपया देने के बाद भी बैंक उनके लोग उनका जो मकान है उसको उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो जरूरत पड़ने पर मकान के निर्माण के लिए अतिरिक्त 70,000 रुपया ऋण की सुविधा भी दी जाएगी, यानी लोन के रूप में उनको 70,000 रुपया और दिया जाएगा, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनका मकान इस मुद्रा में नहीं हो पा रहा है या इस रुपए में नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में 70,000 रुपया और उनको अधिक मिल जाएगा लोन के रूप में। इसके पश्चात इसके अंतर्गत 2022 तक 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य है। मैं आपको फिर से बताता हूं, इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा, 2022 तक 2.95 करोड़ पक्के मकान, क्योंकि हमारे मैंने आपको बताया कि हमारे गांव के अंतर्गत जो मकान है इस समय वो कच्चे मकान होते हैं, तो कच्चे मकान से कैसे हम पक्के मकानों की तरफ अपने ग्रामीण लोगों को ले जाएं, इस व्यवस्था का इस योजना का मुख्य एक तरह से ध्येय है। तो 2022 तक 2.95 करोड़ लोगों के लिए पक्के मकान बनाने की सुविधा का इस योजना के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। अब आखिरी में इस योजना की टैगलाइन क्या है, तो हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबका आवास। मैं आपको फिर से बताता हूं, हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबका आवास इसका लक्ष्य है, इसकी इस योजना की टैगलाइन है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज के लेक्चर के बारे में, मैं भी आपको यहां से हट जाता हूं, आप इसका स्नैपशॉट या पिक्चर ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हमने आज के इस लेक्चर में प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में देखा, इसके मुख्य बिंदुओं की चर्चा करी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग आगे अपना एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित ये योजनाएं हैं और ये आपके पेपर में जरूर आएंगी। मैंने आपको इसमें रेड मार्क कर दिया, आप उन पॉइंट्स को जरूर लिखिएगा। और जो लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम या फिर मध्य प्रदेश पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के लिए तो है, साथ में पीएससी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका जो मेंस एग्जाम है उनमें ये लिखने के लिए जरूर आते हैं, मेंस के अंतर्गत आते हैं आंसर लिखने के लिए, तो उस समय उत्तर को कैसे अपना अच्छे और स्पष्ट रूप से लिखा जाए उसके अंतर्गत आप इसको लिख सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने इसमें मैंने पॉइंट जोड़े, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। पहले हम देखें जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। इस योजना के तहत बैंक में खाता खोलने की सहज और सरल व्यवस्था के रूप में बात की गई है। इस योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इस योजना को योजना में 22 मार्च 2014 तक 28 करोड़ से भी अधिक लोगों के खाते खोले जा चुके हैं और इस योजना के तहत जीरो बैलेंस के वाले खाते खोलने की व्यवस्था की गई है और साथ में पहचान के लिए पासपोर्ट, वोटर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड के सहारे मैच एक प्रश्न वाले फॉर्म से उनके खाते खोले जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में आप देखें, ये योजना 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई थी। इसमें 3 साल में 1 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आवास के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने का लक्ष्य है। मैदानी क्षेत्रों में 20 लाख रुपया तथा पर्वतीय या दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख करोड़ रुपए की
वित्तीय सहायता दी जा रही है, इसके साथ साथ 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए दी जा रहे हैं। अगर इतना करने के बाद भी जरूरत पड़ने पर उन्हें 70,000 रुपये अतिरिक्त रुपया लोन के रूप में दिया जा रहा है। और इसमें और राज्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार का के बीच में जो रुपया का अनुपात है सामान्य श्रेणी के राज्यों के संबंध में केंद्र और राज्य में 60:40 तथा केंद्र और विशेष श्रेणी के राज्यों में 90:10 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। 2022 तक 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने की इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है। और हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबका विकास इसका इस योजना का टैगलाइन है या इसका लक्ष्य है। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने दो योजना को देखा, आगे के लेक्चर में हम और भी ऐसी दो योजनाओं को देखेंगे जो आपके ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यानी ग्रामीण जो व्यवस्था या ग्रामीण डेवलपमेंट से रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगी। तो इनको आप जरूर ठीक ढंग से पढ़िएगा क्योंकि इतना आने का इन एग्जाम में आने का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे ईमेल आईडी bsistudyclass@gmail.com पर लिखकर हमें मेल कर सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी अगर आती है तो उसके लिए भी आप हमें मेल करें या फिर यूट्यूब पर कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी जो किसी भी तरह की जो समस्या होगी उसको पूरा दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।